हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंडली मंगूस के क्वेश्चन आंसर्स हमने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही देख ली है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेक कर सकते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इन द हाउस जो किसान था वो छोटे से नेबले के बच्चे को घर में क्यों लाया था तो आंसर होगा द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस इन हिज हाउस बिकॉज दे नीडेड अ पैट सो डैट देर सन हैड अ कंपेनियन वेन ही क्रीव अप द बेबी मंगूज वुड बी अ फ्रेंड टू देयर सन इन द फ्यूचर जो किसान था वो नेबले के बच्चों के घर इसीलिए लाया था क्योंकि उनको एक पालतू जानवर की जरूरत थी क्योंकि उनके उनका जो छोटा बेटा था वो चाहते थे उसका कोई साथी हो जब वो बड़ा हो इसीलिए वो उस नेवले के बच्चों को घर लाए थे जिससे कि जब उनका बेटा बड़ा हो वो उनका दोस्त बन सके ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वाई डिन द वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस जो किसान की पत्नी थी वो अपने बेटे को उस मंगूस की वो नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी आंसर होगा द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस बिकॉज द मंगूज वॉज अ फुल ग्रोन एनिमल एंड सी वॉज अफ्रेड फ्रेट दैट इट वुड हर्ट द बेबी तो जो किसान की पत्नी थी वो अपने बेटे को उस मंगूज के साथ अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसको उसको डर लगता था कि कहीं जो नेबला था उसके बच्चे को हर्ट ना कर दे चोट ना पहुंचा दे तो ये आंसर हो जाएगा अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फीयर तो किसान ने अपनी जो उसकी पत्नी थी उसके डर के ऊपर क्या कहा तो आंसर होगा द फार्मर सेड ऑन फार्मस वाइफ फियर डेट सी शुड नॉट बी अफ्रेड बिकॉज मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल इट इज एज स्वीट एज अब बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि उसको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नेबला है वो एक फ्रेंडली एनिमल है यानी मैत्रीपूर्ण एनिमल जानवर है वो उतना ही प्यारा है जितना कि अपना बच्चा है और वो दोनों दोस्त भी हैं क्वेश्चन फोर देख लेते हैं वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद अ बास्केट जो किसान की पत्नी थी उसने उस नेबले के ऊपर बास्केट क्यों मार दी तो आंसर होगा द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद अ बास्केट बिकॉज सी thought डेट इट किल्ड हर सन एज इट्स face एंड पॉज वर्स smeared with विद द ब्लड किसान की पत्नी ने उस नेवले के ऊपर वो बास्केट इसीलिए मार दी क्योंकि उसको लगा था कि जो नेवले ने उसके बेटे को मार दिया है क्योंकि नेवले के चेहरे पे और पंजों में खून लगा हुआ था वो पूरे खून से बिगड़ा हुआ था ठीक है अब क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्थ है did सी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन हाउ डज सी सो हर रिपेंटेंस तो जो उसने उसकी पत्नी ने जल्दबाजी में जो काम किया था उससे उसे पछतावा हुआ था और अगर पछतावा हुआ था तो उसने कैसे अपना पछतावा दिखाया तो इसका आंसर होगा यस सी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन वेन सी रियलाइज दैट द मंगूज हैड एक्चुअली सेव्ड हर सन फ्रॉम अ स्नेक सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज बट इट वॉज ऑलरेडी डेड सी सॉफ्ट एंड फेल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हेस्टी एक्शन हाँ उसको पछतावा हुआ था जो उसने जल्दबाजी में काम किया था क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि जो नेबला है उसने एक्चुअल में उसके बेटे को बचाया था उस सांप से वो फिर जल्दी से बाहर गई उस नेबले को देखने लेकिन तब तक वो मर चुका था फिर उसके लिए वो रोई और उसने बहुत सॉरी महसूस किया मतलब बहुत उससे गलती हो गई ये माफ़ी मांग रही थी अपने जो उसने टोकी फेंक दी थी उसके लिए ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ आए हों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग